हरक सिंह रावत। उत्तराखंड की राजनीति का ये वो नाम है जिसने बागी बनने में महारत हासिल की है। ये वो नाम है जो खुद को बागी बनाकर दूसरे राजनीतिक दलों में शरण लेता है। अगर आप इनके राजनीतिक सफर पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हरक सिंह रावत की कहानी ठीक उस चूहे की तरह है जो कि जहाज डूबने से पहले अपनी जान बचाने को भागता है। आपको बता दूं कि 1991 से अपने राजनीतिक करियर की ओर शुरुआत करने वाले हरक सिंह रावत 20 सालों में 6 बार पार्टी बदल चुके हैं। बागी बनकर पार्टी बदलने में हरक का रिकॉर्ड काबिले तारीफ है। चलिए जरा उनके राजनीतिक करियर या कहें कि दल बदल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। वर्ष 1991 में हरक सिंह रावत भाजपा की टिकट पर विधानसभा पहुंचे, लेकिन ठीक 5 साल बाद यानी 1996 में उन्होंने भाजपा को हाथ छोड़ नमस्ते की और पलटी मार दी। 1996 के चुनाव में वो जन मोर्चा पार्टी से बनाकर मैदान में उतरे, लेकिन सिक्का कुछ चला नहीं और हरक को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हरक हाथी पर सवार हुए यानी कि उन्होंने बसपा का दामन थामा। और हुआ ये कि वो बसपा से यूपी में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष बने, जिसके बाद जैसे ही उत्तराखंड का गठन हुआ हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड की राजनीति में कदम रखा, जिसके तहत उन्होंने बसपा का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। साल 2002 में वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े और अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाया, जिसके बाद हरक 2016 तक कांग्रेस में ही टिके रहे। लेकिन हरक ने साल 2017 के चुनाव से पहले अपनी फितरत दिखाई और एक बार फिर से पलटी मारी और साल 2017 में वो कांग्रेस से बागी हुए और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होकर हरक ने साल 2017 के चुनाव में कमल के फूल पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। भाजपा में पूरे 5 साल मौज काटने के बाद जैसे ही 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आए, हरक ने फिर गिरगिट की तरह रंग बदला और कांग्रेस में नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। हरक ने सोचा था कि जैसे ही जगह मिलेगी वो एक बार फिर से पार्टी बदलेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत हर बार आपका साथ नहीं देती। हरक सिंह रावत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार हरक के पार्टी छोड़ने से पहले ही भाजपा ने उन्हें निकाल फेंका। भाजपा से निकाल जाने के बाद दल बदलू हरक फुट फुट कर रोए, लेकिन भाजपा नहीं पिघली। फिर क्या था, हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस को याद किया और कांग्रेस में शामिल हो गए। इस तरह से पूरे 20 सालों में हरक सिंह रावत ने 6 पार्टियां बदली। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत अपने राजनीतिक सफर में एक बेहद अहम और कठिन मोड़ पर हैं, क्योंकि भाजपा से निकल जाने के बाद हरक पूरी तरह से कांग्रेस पर निर्भर है। कांग्रेस से आस लगाए बैठे हरक लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके उन्हें कांग्रेस से टिकट मिल जाए। आपके लिए जानना ये भी जरूरी है कि अगर कांग्रेस की अंतिम सूची में 6 सीटों पर उनका नाम नहीं आता है तो हरक सिंह रावत अपने राजनीतिक करियर में पहली बार चुनाव लड़ने की बजाय लगवाने की भूमिका निभाएंगे। अब डोर पूरी तरीके से कांग्रेस के हाथ में है, तो देखना यही होगा कि कांग्रेस हरक से साल 2016 का बदला लेगी या फिर दल बदलू हरक को फिर से एक मौका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।